मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल जाएंगे बैजनाथ और राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके बाद शिमला लौटेंगे मुख्यमंत्री और नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और 19 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंडी शिवरात्रि उत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल बैजनाथ जाएंगे, यहां पर महाशिवरात्रि जैसा एक महोत्सव होगा। दरअसल यहां पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव है जिसे कि भव्य तरीके से मनाया जाता है और शिवरात्रि महोत्सव को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। उत्सव का शुभारंभ सीएम सुक्खू करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है सीएम के पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए कल से मुख्यमंत्री 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और इसमें कल सबसे पहले जो कांगड़ा है वहां के बैजनाथ जाएंगे और यहां महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और लगभग 10 बजे बैजनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। पहले शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो मेला ग्राउंड है वहां पर प्रदर्शनी का भी जो है शुभारंभ करेंगे और साथ ही जो मेला है शिवरात्रि मेला है उसका जो राज्य स्तरीय ये शिवरात्रि मेला है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि इसके बाद इनका शिमला लौटने का कार्यक्रम है, लगभग 1-1.5 बजे के आसपास शिमला पहुंचेंगे क्योंकि 2 बजे कल हिमाचल के नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह होना है राजभवन में और उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और यहाँ से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री सुंदरनगर जाएंगे और फिर जो है वहां पर जो नाइट हॉल्ट है मुख्यमंत्री का वो मंडी में रहेगा, प्रतिगृही मंडी में। और 19 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो 7 दिन तक दशहरा माफ कीजिएगा जो शिवरात्रि महोत्सव होता है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और 19 तारीख को शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे, जलेब जो वहां पर निकलती है माधव राय मंदिर से और उसके बाद इसका जो शुभारंभ कार्यक्रम होता है उसमें भी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और कल 19 तारीख को भी यहीं पर ही यानी मंडी में ही रुकने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और 20 तारीख को शिमला लौटेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने प्रदीप पहुंचाई है दर्शकों तक।